एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुसरत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉइड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 एमसीक्यू सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 एमसीक्यू सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉइड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 2nd of September के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इसके अलावा कल हमने अपनी 10 डेज रिवीजन वाली वीडियो कर ली थी, जिसमें हमने 21st of August से लेके 31st of August के टॉप 100 क्वेश्चंस कर लिए हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि उन्हें मंथली वीडियो चाहिए। देखिए, मंथली कंपाइलेशन अब क्या हो सकता है, इसमें हमने 3 लेक्चर्स किए हैं हमारे इस 10 डेज रिवीजन वाली सीरीज में। ठीक है, तो इसमें हमने पहले सेशन में 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन किए थे, फिर 11 से लेकर 20 तक के, और उसके बाद लास्ट में 21st से लेकर 31st of August तक के। तो अगर आप इसका कंपाइलेशन करना चाहते हैं तो आप तीनों लेक्चर्स को एक साथ देख लीजिए, बस यही कंपाइलेशन है। अब इसको एक साथ बना के फिर आपका क्या टाइम वेस्ट करना, राइट? तो जिन लोगों ने वीडियो अब तक नहीं देखी है उनको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से इसको चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको यूजफुल लगता है तो आप उसको रेफर कर सकते हैं, साथ ही साथ आप दूसरों को भी सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अपना सेशन हम शुरू करते हैं। इंडिया रिसेंटली साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच कंट्री ऑन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो हाल ही में इंडिया ने कौन सी कंट्री के साथ ये MOU साइन किया है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के ऊपर? आंसर हो जाएगा नेपाल। हमने हाल ही में ये MOU साइन किया है नेपाल के साथ, और ये प्रपोज किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने। ठीक है, तो इस MOU से होगा क्या, कोऑपरेशन को मजबूत किया जाएगा इन द फील्ड ऑफ फॉरेस्ट, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इसके अलावा इसका एम ये भी है कि जो कॉरिडोर्स हैं उनको रिस्टोर किया जाए और एरियाज को इंटरलिंक करके नॉलेज और बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर किया जाए दोनों कंट्रीज के बीच में। ठीक है, तो अगर आपसे पूछेंगे कि हाल ही में कौन सी दो कंट्रीज हैं जिन्होंने बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के बेसिस पे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, तो आंसर हो जाएगा इंडिया और नेपाल। ठीक है, एज पर द रिसेंट नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस डेटा, व्हाट वाज इंडियाज GDP ग्रोथ रेट फॉर द फर्स्ट क्वार्टर अप्रैल टू जून ऑफ दिस फिस्कल ईयर 2022-23। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि जो फर्स्ट क्वार्टर गुजरा है फिस्कल ईयर 2022-23 का, इसमें NSO के डेटा के मुताबिक इंडिया का GDP ग्रोथ रेट कितना रहा। तो रिसेंट डेटा के मुताबिक जो इंडिया की इकोनॉमी है वो एक्सपैंड हुई है बहुत तेजी से। ठीक है, तो GDP जो था फर्स्ट क्वार्टर में, मतलब अप्रैल टू जून में, ये जो है वैल्यू पहुंच गई है 13.5% पे। ठीक है, ये 13.5% से इंक्रीज हुआ है, और ये वैल्यू कम है RBI के प्रोजेक्शन से, क्योंकि RBI ने कितना एक्सपेक्ट किया था इस ग्रोथ को, 16.2%। ठीक है, और जो ग्रॉस वैल्यू ऐड होती है वो पहले क्वार्टर में फाइनेंशियल ईयर 23 के कितनी ऐड हो गई है, 12.7%। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 13.5%। द सेंटर फॉर मेडिकल स्किल्स फॉर पैरामेडिकल स्टाफ इज सेट टू कम अप इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। तो सेंटर फॉर मेडिकल स्किल्स पैरामेडिकल स्टाफ के लिए कौन से स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी में सेटअप किया जाएगा? आंसर हो जाएगा मेघालय में, मेघालय के बबादम में, वेस्ट गारो हिल्स के पास। ठीक है, तो मेघालय कैबिनेट ने हाल ही में अप्रूव किया है कि इस सेंटर को कंस्ट्रक्ट कर दिया जाए, और इसके लिए लागत कितनी बताई गई है, 150 करोड़ रुपीज। ठीक है, तो ये जो मेडिकल स्किल ह्यूनार हब है इसमें जो है 2500 स्टूडेंट्स का स्पेस रहेगा, उनको जो है हर तरह की सुविधा यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी, इंक्लूडिंग हॉस्टल, फार्मास्यूटिकल कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज और स्किल डेवलपमेंट सेंटर वगैरह। ठीक है, तो सिंपली ध्यान में रखिएगा कि सेंटर फॉर मेडिकल स्किल पैरामेडिकल स्टाफ के लिए कौन से स्टेट में सेटअप किया जा रहा है, आंसर हो जाएगा मेघालय। विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी लॉन्च्ड अ स्टार्टअप पिच चैलेंज टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर द स्टार्टअप्स इन मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड सेक्टर। तो कौन सा ऐसा स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी है जिसने स्टार्टअप पिच चैलेंज को लॉन्च किया है ताकि स्टार्टअप्स के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जा सके मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड सेक्टर्स में? ठीक है, तो हाल ही में कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर BS बोमई ने लॉन्च किया है स्टार्टअप
पे चैलेंज को, और स्टेट गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका अब जो है ऑर्गेनाइज करेगी इस चैलेंज को इन पार्टनरशिप विद TIE ग्लोबल एंड TIE बेंगलुरु। ठीक है, ये एक तरह की नॉन प्रॉफिट ग्लोबल कम्युनिटी है। ठीक है, एम क्या है इसका, स्टार्टअप्स को रिकॉग्नाइज और सपोर्ट करना मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड सेक्टर्स में, साथ ही साथ उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना जहाँ पे वो अपने स्ट्रेंथ को शोकेस कर सकें और फंडिंग को एंश्योर कर सकें। ठीक है, तो इस इवेंट को प्लान किया गया है फॉर द ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट इन्वेस्ट कर्नाटका 2022। ठीक है, तो याद रखिएगा स्टार्टअप पिच चैलेंज किसने लॉन्च किया है, कर्नाटका स्टेट ने। विच इंडियन स्टेट और द यूनियन टेरिटरी लॉन्च द महिला निधि लोन स्कीम फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ वुमेन थ्रू लोन्स। तो कौन सी ऐसा स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी है जिसने महिला निधि को लॉन्च किया है, और ये क्या है, ये एक तरह की लोन स्कीम है जो कि वुमेन को दिया जाएगा उनके सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। तो हाल ही में राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने लॉन्च की है महिला निधि स्कीम को, और इस स्कीम को लॉन्च किया गया है ऑन द ओकेजन ऑफ वुमेन्स इक्वालिटी डे। आपको कमेंट्स में लिखना है कि वुमेन्स इक्वालिटी डे हर साल हम कब मनाते हैं। और इस स्कीम के तहत इजी क्रेडिट प्रोवाइड हो जाएगा वुमेन को अपने नए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, साथ ही अगर वो अपना बिजनेस एक्सपैंड करना चाहती हैं तो भी वो लोन ले सकती हैं। ठीक है, तो राजस्थान के स्टेट बजट 2022 और 23 में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि महिला निधि को सेटअप किया जाएगा थ्रू राजस्थान रूरल लाइवलीहुड डेवलपमेंट काउंसिल। ओके, तो याद रखिएगा सिर्फ कि महिला निधि स्कीम कौन से स्टेट की है, आंसर हो जाएगा राजस्थान। विच फार्मा कंपनी लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड QHPV अगेंस्ट सर्विकल कैंसर। तो कौन सी ऐसी फार्मा कंपनी है जिसने हाल ही में इंडिया की पहली इंडिजिनसली डेवलप्ड QHPV को लॉन्च कर लिया है अगेंस्ट सर्विकल कैंसर। तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने पार्टनरशिप की है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ, और अब ये लॉन्च करेंगे इंडिया की पहली इंडिजिनसली डेवलप्ड क्वाड्रीवेलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन सर्विकल कैंसर के लिए। ठीक है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से इंडिया जो है 1/5 ग्लोबल बर्डन अकाउंट करती है सर्विकल कैंसर का, मतलब जितने भी लोग सर्विकल कैंसर से पीड़ित हैं उसमें से 1/5 इंडिया में पाए जाते हैं। ठीक है, और लगभग 1.23 लाख केसेस इंडिया में आते हैं हर साल, और जिसमें से 67,000 की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसके लिए DBT ने पार्टनरशिप की है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ। ओके, राष्ट्रीय पोषण माह इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ड्यूरिंग विच मंथ। तो इंडिया जो है ऑब्जर्व करता है नेशनल न्यूट्रिशन वीक को 1st of September से लेके 7th of September तक हर साल, ताकि अवेयरनेस क्रिएट की जाए कि कितना इंपॉर्टेंट है न्यूट्रिशियस फूड को कंज्यूम करना। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने सेलिब्रेट किया 5th राष्ट्रीय पोषण माह 2022 नेशन में कब से कब तक, 1st of September से लेके 30th of September तक इसको सेलिब्रेट किया जाएगा। ठीक है, और इस साल पोषण माह का ऑब्जेक्टिव है पोषण माह को सेलिब्रेट करना थ्रू ग्राम पंचायत एज पोषण पंचायत, और फोकस किस पे किया जाएगा, महिला और स्वास्थ्य, इसके अलावा बच्चा और शिक्षा। ठीक है, तो याद रखिएगा राष्ट्रीय पोषण माह कब हम मनाते हैं, सितंबर मंथ। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। तो डॉक्टर आशुतोष रराविकर जो कि डायरेक्टर हैं इन द DEPR ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन्होंने हाल ही में इस बुक को पब्लिश किया है, और इस बुक के थ्रू इन्होंने डेवलपमेंट्स के ऊपर फोकस किया है जो भी इंडिया की बैंकिंग सेक्टर में हुए हैं पिछले 75 ईयर्स में। ठीक है, तो इसमें इन्होंने डिस्क्राइब किया कि किस तरह से बैंकिंग सेक्टर ने काफ़ी अच्छे तरीके से हमेशा खुद को इम्प्रूव ही किया है। ठीक है, तो याद रखिएगा इस बुक के ऑथर कौन है, डॉक्टर आशुतोष रराविकर। हु इज द मोस्ट सक्सेसफुल पेस बॉलर इन द हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एज ऑफ 2022। याद रखिएगा जेम्स एंडरसन मोस्ट सक्सेसफुल पेस बॉलर हो गए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट की हिस्ट्री में, और इन्होंने अब किसको ओवरटेक कर लिया है, ग्लेन मैकग्रथ को। ठीक है, और ये सिर्फ 40 ईयर्स ओल्ड हैं, और हाल ही में इन्होंने इस स्पीड को अचीव किया है इन द सेकेंड टेस्ट जब ये खेल रहे थे अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो 951 विकेट्स ये ले चुके हैं इन 287 मैचेस, और इसी के साथ ये 4th
मोस्ट सक्सेसफुल बॉलर हो गए हैं इन द इंटायर इंटरनेशनल क्रिकेट, ठीक है। और पहले तीन कौन हैं? फर्स्ट है इसमें श्रीलंका के मुथिया मुरलीधरन, सेकेंड है इसमें शेन वॉर्न ऑस्ट्रेलिया से, उसके बाद थर्ड हैं अनिल कुंबले इंडिया से, ठीक है। तो मुरलीधरन ने कितने विकेट्स लिए हैं? 1347, शेन वॉर्न ने लिए हैं 1001 विकेट्स, और अनिल कुंबले ने लिए हैं 956 विकेट्स, और 951 विकेट्स लेके अब जेम्स एंडरसन इस लिस्ट में फोर्थ पोजीशन पे आ चुके हैं, ठीक है। विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कंपनी हैज अनाउंस्ड अ न्यू फैसिलिटी नेम्ड एज सर्कल? कौन सी ऐसी सोशल मीडिया कंपनी है जिसने हाल ही में नई फैसिलिटी को अनाउंस किया है और उसका नाम इन्होंने दिया है सर्कल्स? ट्विटर ने हाल ही में अनाउंस किया है ट्विटर सर्कल्स को, जहां पे यूजर्स चूज कर सकते हैं कि कौन उनके मैसेजेस को या ट्वीट्स को देख सकता है और उनके साथ इंगेज हो सकता है, ठीक है। तो सभी लोग पब्लिक कन्वर्सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं ऑन देयर ओन टर्म्स, लेकिन जो सर्कल होगा उसमें सिर्फ 150 लोग ही अलाउ किए जाएंगे, ठीक है। तो इसका जो है टेस्ट रन सक्सेसफुल हो गया है और अब इसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया गया है, ठीक है। तो बस ध्यान में रखिएगा कि सर्कल फीचर हाल ही में कौन सी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कंपनी ने इन्वॉल्व किया है? आंसर हो जाएगा ट्विटर। वॉट इज द नेम ऑफ द नेशनल सिंगल विंडो सोर्स फॉर ऑल असेसमेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन बोर्ड? तो क्या नाम है नेशनल सिंगल विंडो सोर्स का सभी असेसमेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एजुकेशन बोर्ड्स के लिए? तो क्या नाम है इस नेशनल सिंगल विंडो सोर्स का? आंसर हो जाएगा परख। और इसका फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्या है इसका फुल फॉर्म? परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसको अनाउंस किया गया था नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी में। और NCERT फुल फॉर्म क्या है? नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग स्टेट एजुकेशन बोर्ड्स के साथ कोलाबरेट करेगी और वो ड्रॉ करेगी बेंचमार्क फ्रेमवर्क को, ताकि यूनिफॉर्मिटी लाई जा सके अक्रॉस स्टेट एंड द सेंट्रल बोर्ड, ठीक है। तो परख जो है नेशनल सिंगल विंडो सोर्स रहेगा सभी असेसमेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। साथ ही ये ओवरसी करेगा पीरियोडिक टेस्ट को, लाइक नेशनल अचीवमेंट सर्वे और स्टेट अचीवमेंट सर्वे, ठीक है। तो याद रखिएगा इस सिंगल विंडो सोर्स का नाम क्या है? परख। और फुल फॉर्म एक बार फिर सुन लीजिए, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ओके। WHO अलॉन्ग विथ विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड अ रिपोर्ट टाइटल्ड एज प्रोग्रेस ऑन वॉश इन हेल्थ केयर फैसिलिटीज 2000 to 2021? हाल ही में ये रिपोर्ट WHO ने रिलीज की है, किसके साथ मिलके? आपसे ये पूछ रहे हैं। तो इसके लिए WHO ने कोलाबरेट किया था यूनिसेफ के साथ, और इन्होंने ये रिपोर्ट पब्लिश की जिसका नाम है प्रोग्रेस ऑन वॉश इन हेल्थ केयर फैसिलिटीज स्पेशल फोकस ऑन वॉश एंड इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, ठीक है। तो इस रिपोर्ट में इन्होंने ग्लोबल बेसलाइन एस्टैब्लिश किया है हाइजीन सर्विसेज के लिए, और इस रिपोर्ट के मुताबिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज वर्ल्ड वाइड जितनी भी हैं वो लैक करती हैं बेसिक हाइजीन सर्विसेज में, जिसमें कि वाटर, सोप और टॉयलेट्स वगैरह भी आता है, ठीक है। तो लगभग 3.85 बिलियन पीपल ऐसे हैं जो कि यूज़ करते हैं इन फैसिलिटीज़ को, उसके बाद भी वो ग्रेटर रिस्क ऑफ इन्फेक्शन की कैटेगरी में हैं, ठीक है। तो नॉट वेरी रेलेवेंट रिपोर्ट में क्या है वो आपसे नहीं पूछेंगे कभी भी, सिंपली ध्यान में रखिएगा कि इस रिपोर्ट से कौन सी दो इंस्टीट्यूशन एसोसिएटेड है, WHO और यूनिसेफ। ठीक है, इसके अलावा एक और रिपोर्ट थी जो हाल फिलहाल रिलीज हुई है, और इसको रिलीज किसने किया है? ICMR ने, मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने। इसमें इन्होंने सोशियो इकोनॉमिक बर्डन ऑफ स्नेक बाइट्स के ऊपर बात की है, ठीक है। तो इनकी स्टडी के मुताबिक स्नेक्स जो हैं वो लगभग 45,000 लोगों को किल करते हैं हर साल, जिसमें से 30% ऑफ द विक्टिम्स ऐसे हैं जिनको हॉस्पिटल तक भी हम नहीं ले जा पाते हैं, उनको किसी तरह का मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है, ठीक है। और जो नंबर ऑफ डेथ है ड्यू टू स्नेक बाइट वो हो चुकी है 46,900 हर साल, ठीक है। सिंपली ध्यान में रखना है आपको कि स्नेक बाइट से रिलेटेड जो रिपोर्ट है वो किसने रिलीज की है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ओके। तो ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और न्यूज़, और अब हम चलेंगे हमारे रिविजन सेक्शन की तरफ। कौन सी तीन कैटेगरीज आज हम करने वाले हैं? सबसे पहले हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रिसेंट न्यूज़, उसके बाद सेकेंड हम बात करेंगे कुछ कंपनीज के बारे में जो न्यूज़ में थी, उसके बाद थर्ड हम लास्ट में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस, ठीक है। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले हम कुछ रिसेंट न्यूज़ एक बार देख लेते हैं क्विकली। अभिजीत सेन हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज एसोसिएटेड विद विच प्रोफेशन? कौन थे ये? तो ये फॉर्मर मेंबर थे प्लानिंग कमीशन के, और उन्होंने प्लानिंग कमीशन में सर्व किया है 2004 से लेके 2014 तक, ठीक है।
और इसके अलावा ये सर्व कर चुके हैं एज अ चेयरमैन ऑफ कमीशन ऑफ एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस. ठीक है, तो बेसिकली ये एक तरह के इकोनॉमिस्ट हैं और हाल ही में इनका निधन हो गया है एट द एज ऑफ 72 ईयर्स. विच इज़ द मोस्ट अनसेफ मेट्रोपॉलिटन सिटी फॉर वुमेन अक्रॉस द कंट्री एज पर द रिसेंट नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो रिपोर्ट. तो NCRB की रिपोर्ट के मुताबिक कौन सी ऐसी सिटी है मेट्रोपॉलिटन सिटी जो सबसे ज़्यादा अनसेफ पाई गई है वुमेन के लिए पूरी कंट्री में. तो जो भी केस हैं वुमेन के क्राइम के वो सबसे ज़्यादा पाए गए नई दिल्ली में, और नई दिल्ली अकाउंट करता है 32.2% ऑफ टोटल क्राइम केसेस जो कि 19 मेट्रो सिटीज़ में होते हैं इंडिया में. ठीक है, तो न्यू दिल्ली का शेयर सबसे ज़्यादा था इसमें, सेकेंड पे था मुंबई और थर्ड पे था बेंगलुरु. ठीक है, विच इंडियन बिजनेस पर्सन रिसेंटली बिकेम द थर्ड रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड एज पर द ब्लूमबर्ग बिलियनेयर इंडेक्स. तो ब्लूमबर्ग बिलियनेयर इंडेक्स के हिसाब से थर्ड रिचेस्ट पर्सन कौन है, गौतम अदानी. ठीक है, और इंडिया में टोटल 18 बिलियनेयर्स हैं जो कि टॉप 500 की लिस्ट में हैं. और याद रखिएगा गौतम अदानी इकलौते ऐसे बिलियनेयर हैं अमंग द वर्ल्ड्स टॉप 10 वेल्थिएस्ट पीपल जिनकी नेटवर्थ इंक्रीज हुई है इस साल. ठीक है, लैम्डा विच इज़ इन द न्यूज़ रिसेंटली परटेन्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग. लैम्डा क्या है, ये एक तरह का चैटबॉट है और ये कह सकते हैं कि ये टाइप है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम का. ठीक है, इंडिया रिसेंटली डिमोलिश्ड अ ट्विन टावर टैलर दैन 100 मीटर्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच सिटी. तो ये ट्विन टावर केस तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, सबने देखा होगा टीवी पे, और हाल ही में हमने ट्विन टावर को डिमोलिश किया है. कहाँ पे था, कहाँ पे था ये, नोएडा में, और कौन सी टेक्निक का यूज़ करके किया है, याद रखिएगा वाटरफॉल टेक्निक. इंडिया रिसेंटली बिकेम द कंट्री विद द हाइएस्ट नंबर ऑफ स्पॉन्सर्ड स्टडी वीजाज इन विच कंट्री. तो हाल ही में इंडिया ऐसी कंट्री बन गई है जिसने सबसे ज़्यादा स्टडी वीजाज को स्पॉन्सर किया है, कौन सी कंट्री के लिए, UK. ठीक है, और इसी के साथ हमने किसको रिप्लेस कर लिया है, चाइना को. विच कैटेगरी ऑफ बेनिफिशरीज इज रिसेंटली एडेड अंडर द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना. तो इस योजना में कौन सी कैटेगरी ऑफ बेनिफिशरीज को हाल ही में ऐड कर लिया गया है, आंसर हो जाएगा ट्रांसजेंडर पर्सन. ठीक है, हाल ही में एक MOU एक्चुअली साइन हुआ था नेशनल हेल्थ अथॉरिटी और डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के बीच. इसमें ये डिसाइड हुआ कि जो भी ट्रांसजेंडर पीपल हैं अक्रॉस द कंट्री उनको जो है कंपोजिट हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी अंडर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना. उनको सिर्फ अपना सर्टिफिकेट होल्ड करने की ज़रूरत है जो कि इशू कौन करता है, नेशनल पोर्टल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन. ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि आयुष्मान भारत में अब कौन से नई कैटेगरी के बेनिफिशरीज ऐड हो चुके हैं, ये हैं ट्रांसजेंडर पर्सन्स. नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज की जो हाल फिलहाल न्यूज़ में थी. विच कंपनी हैज़ पार्टनर्ड विद टेक्नोलॉजी जायंट सच एज मेटा गूगल माइक्रोसॉफ्ट एंड इंटेल टू रोल आउट 5G सर्विसेज. तो 5G सर्विसेज को रोल आउट करने के लिए हाल ही में रिलायंस ने पार्टनरशिप की है इन टेक्नोलॉजी जायंट्स के साथ. विच कंपनी इज सेट टू ऑफर मल्टीपर्पज ड्रोन्स फॉर स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस ऑफ द इंडियन आर्मी. तो कौन सी कंपनी है जो मल्टीपर्पज ड्रोन्स को ऑफर करेगी इंडियन आर्मी को उनके ऑपरेशंस के लिए, ये है गरुड़ एरोस्पेस. यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री हैज़ पार्टनर्ड विद विच जनरल इंश्योरेंस कंपनी टू हेल्प क्रिएट द डिजिटल हेल्थ IDs. इसके लिए यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने पार्टनरशिप की है एडलवेस जनरल इंश्योरेंस के साथ ताकि वो डिजिटल हेल्थ IDs को क्रिएट कर सकें कंट्री में. ठीक है, और आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट एक तरह का 14 डिजिट का नंबर होगा जो कि यूजर्स को हेल्प करेगा कि वो अपने हेल्थ रिकॉर्ड्स को शेयर और एक्सेस कर सकें डिजिटली विद रजिस्टर्ड हेल्थ केयर प्रोफेशनल. ठीक है, विच इंडियन कंपनी हैज़ पार्टनर्ड विद यूनेस्को टू प्रमोट द इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया. तो कौन सी इंडिया की कंपनी है जिसने यूनेस्को के साथ पार्टनरशिप की है हमारे इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज को प्रमोट करने के लिए, ये है रॉयल एनफील्ड. ठीक है, विच कंपनी हैज़ साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ 3 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स फॉर ऑयल पाम कल्टिवेशन. तो इसके लिए गोदरेज एग्रोविट ने साइन किया है ये MOU 3 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ. कौन कौन से हैं ये, असम, मणिपुर और त्रिपुरा. विजय शेखर शर्मा इज द MD एंड CEO ऑफ विच मेजर कंपनी. ये जो है MD और CEO हैं Paytm के, और ये क्यों न्यूज़ में थे, क्योंकि हाल ही में इनका रीअपॉइंटमेंट हो गया है सेम पोस्ट के लिए. Which company has commissioned a new green hydrogen plant at Hazira in the state of Gujarat?
कौन सी कंपनी है जिसने हाल ही में नया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कमीशन किया है हजीरा गुजरात में, ये है लॉर्सन एंड टुब्रो। ठीक है, अब लास्ट में हम कुछ एक्सरसाइज एक बार रिवाइज कर लेते हैं। द इंडियन कोस्ट गार्ड कंडक्टेड सैरिक्स 22 नेशनल मैरिटाइम सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज इन विच सिटी। हाल ही में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया है चेन्नई सिटी में। वज प्रहार 2022 इज अ डिफेंस एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच अदर कंट्री। ये एक्सरसाइज है इंडिया और यूएस के बीच की, और इसके लिए इस साल का वेन्यू था हिमाचल प्रदेश का बकलो। ठीक है, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ उलजी फ्रीडम शील्ड मिलिट्री एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज है साउथ कोरिया और यूएस की, और इसको इस साल होस्ट किया है साउथ कोरिया ने। इंडिया रिसेंटली कंक्लूडेड अ मैरिटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज विद विच कंट्री विद द पार्टिसिपेशन ऑफ INS सुमिधा। हमने हाल ही में एक मैरिटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज कंडक्ट की थी ऑस्ट्रेलिया के साथ, जिसमें INS सुमिधा ने इंडिया की साइड से पार्टिसिपेट किया था। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द पिच ब्लैक एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज। ये 17 नेशन की एक्सरसाइज है और इसके लिए होस्ट था ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने इसको होस्ट किया है इस साल। विमबैक्स 2022 इज वियतनाम्स फर्स्ट ट्रेनिंग एक्सरसाइज विद अ फॉरेन आर्मी हेल्ड विद विच कंट्री। तो विमबैक्स इंडिया और वियतनाम के बीच की एक्सरसाइज है, और इस साल के लिए वेन्यू क्या था, चांदी मंदिर फ्रॉम द स्टेट हरियाणा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, वियतनाम किसके साथ इसको करता है, इंडिया के साथ। विच कंट्री होस्टेड द बाइलेटरल एयर एक्सरसाइज नेम्ड एज उदार शक्ति। उदार शक्ति एक्सरसाइज होती है इंडिया और मलेशिया के बीच की, और इस साल के लिए इसको होस्ट किया है मलेशिया ने। द थीम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नेवल एक्सरसाइजेस वॉज केपेबल अडैप्टिव पार्टनर्स। ये थीम थी इस साल के रिमपैक 22 की, और इसमें इंडिया की तरफ से INS सतपुड़ा ने हिस्सा लिया था। ठीक है, तो अब आ जाते हैं आपके क्विज पे। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है, और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं प्लान गुड, जो नहीं आते हैं कोई भी बात नहीं, विद टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इम्प्रूव करेगा। बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कॉमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है, तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी, और हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK टुडे। विद दिस मीनू हत्सना साइनिंग ऑफ।